फ्रेंड्स, आज आपके लिए हमने एक क्विक ट्यूटोरियल वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपलोड किया है। ये वीडियो रिलेटेड है मल्टी विंडो में आप कैसे दो वीडियो सोर्सेस को एक साथ प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में चले जाओगे और उस वीडियो को प्ले करने लगोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वीडियो को देखना है, बट एट द सेम टाइम मान लीजिए आपको कोई दूसरा मूवी या कोई दूसरा वीडियो भी देखना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, तो मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले रीसेंट ऐप्स के ऑप्शन में चले जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं यूट्यूब को या स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लूँगा। उसे जैसे ही ओपन करने के बाद मैं मेरे दूसरे वीडियो प्लेयर को सर्च करूँगा। आप कोई भी वीडियो प्लेयर आपके यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सैमसंग का ही वीडियो प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इस वीडियो सबसे पहले वाले वीडियो को प्ले करना है, तो ये यहाँ पे प्ले होगा और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं यूट्यूब में भी प्ले कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों वीडियोज ही चल रहे हैं और ये वीडियो प्लेइंग मोड में है, ये दोनों वीडियोज ही चल रहे हैं। बट इन दोनों वीडियोस में से आप एक ही कोई वीडियो सोर्स का वॉल्यूम एक्टिवेट कर सकते हो, दोनों वीडियोस को साउंड एक्टिवेट करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। इतना ही नहीं, आप दो अलग अलग एक्सटर्नल वीडियो प्लेयर्स को भी एक साथ साइमल्टेनियसली प्ले कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एमएक्स प्लेयर में कोई वीडियो देखना है और उसी टाइम पे आपको अपने डिफ़ॉल्ट सैमसंग या जो भी आपके पास प्लेयर है उससे आपको कोई वीडियो देखना है, तो सिमिलरली हम पहले MX प्लेयर को रीसेंट ऐप्स में ओपन कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे उसके आइकन पे क्लिक करके हम स्प्लिट स्क्रीन व्यू पे चले जाएंगे, फिर हम हमारे सैमसंग के वीडियो प्लेयर में चले जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट आता है और फिर हम यहाँ से इस वीडियो को प्ले करेंगे और MX प्लेयर में इस वीडियो को प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दो वीडियोस अलग अलग वीडियो प्लेयर्स में भी चल रहा है दोनों इसमें। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक क्विक ट्यूटोरियल था आपको बताने के लिए कि स्प्लिट विंडोज़ में भी आप दो वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए और अगले वीडियो तक टेक केयर।